गाइस आप सभी देख सकते हैं, ये हमारा मलियाबाद काम का बाग है और बहुत ही खूबसूरत बाग है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे पेड़ हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे आम के पेड़ हैं और काफ़ी आम लगा हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, दिखाते हैं आपको थोड़ा जूम करके कितने सारे आम लगे हुए हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छे खूबसूरत आम लगे हुए हैं यहाँ पर और काफ़ी बड़े भी हैं, ये देख सकते हैं। अभी तो ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे, तो इसको बड़ा ही कह सकते हैं कि दूसरे आमों के मुकाबले ये आम थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ पे इस समय धुलाई हो रही है, काफ़ी सारे ट्रैक्टर यहाँ पे बाग धो रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छोटी छोटी हो रही हैं। देख सकते हैं ये सभी लोग धो रहे हैं बाग को और छोटे छोटे बाग हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं, वो देख सकते हैं दूसरा ट्रैक्टर, ये देख सकते हैं यहाँ पर है और भी कई सारे ट्रैक्टर यहाँ पे धुलाई कर रहे हैं। और भी यहाँ पर बाग हैं पर ये बहुत ही बड़ा बाग है। आप अगर पूरा दिन अगर चलते रहेंगे, एक एक पेड़ भी देखेंगे, फिर भी आप देख नहीं पाएंगे, इतना बड़ा बाग है। बहुत ही बड़ा बाग है यहाँ पे, देख सकते हैं कितने सारे आम लगे हुए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत बाग है। यहाँ पर छोटा सा बाग नहीं है, बहुत ही बड़ा बाग है भाई साहब। आप देखिए तो कितना बड़ा बाग है, आम भी अच्छा खासा आम है पर क्या बताएं, सारा इसमें बहुत ही सारे पेड़ हैं और सारे पेड़ में आम है नहीं, इसलिए थोड़ी सी मुश्किलात होने वाली है। पर जो आम है वो देखने में बहुत ही अच्छा आम है, वो देख सकते हैं। हमारे रंपत भाई आ रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये हमारे छोटे से रंपत भाई हमारे यहाँ पर। हमारे रंपत भाई हमें क्या बताने वाले हैं हम देख सकते हैं और आप शायद समझ सकते हैं। यहाँ पर ये बाग है और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और भी यहाँ पर हम कई सारे लोग हैं। ये बाग है और इसमें ये सब दशहरी के पेड़ हैं। आप दशहरी के बारे में शायद जानते हैं कि नहीं, हम ये बताना चाहेंगे। ये हमारे रंपत भाई हैं और इधर चौंसे के पेड़ शुरू होते हैं, अभी हम आपको चौंसा का पेड़ भी दिखाएँगे। और ये हमारे रंपत भाई यहाँ पर धुलाई करते हुए देखे गए हैं, ये यहाँ पर घूम रहे थे। कहाँ रहते हो तुम? पुरवा। ये पुरवा में रहते हैं भाई साहब, आप समझ सकते हैं। ये यहाँ के छोटे से गुंडे हैं, आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये कैसे टहल रहे हैं, जैसे कि ये बाग इन्हीं का है। ये गुंडे हैं यहाँ के गुंडे। आप कौन हैं? गुंडे देख सकते हैं कितनी अकड़ है गुंडे में, बहुत ही बड़ा गुंडा है ये स्कॉट चलाते हुए। और भी इधर चौंसे का पेड़ है, आपको हम चौंसे का पेड़ भी दिखाएंगे। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं, पर अभी थोड़ा सा ये रंपत भाई पता नहीं कहाँ जा रहे हैं यहाँ के गुंडे बनके। ये स्कॉट ट्रैक्टर है, अगर किसी को स्कॉट ट्रैक्टर के बारे में जानकारी लेना हो तो वो हमें कमेंट कर सकता है, या किसी आम के बारे में जानकारी लेना वो भी कमेंट कर सकता है, या किसी को आम लेना है तब भी कमेंट कर सकता है। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। मैं तो कहूँगा लाइक ही कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको। मैं आपको ये बाग भी दिखा रहा हूँ इतनी कड़ी धूप में, इतनी कड़ी धूप है और फिर भी मैं धूप में इतना चल रहा हूँ आपके लिए। देख सकते हैं मेरे पैर जूते घिस गए हैं, वो देख सकते हैं वहाँ पर रंपत भाई मेरे पैर हाथ धुल रहे हैं। ये हमारा एक छोटा सा, ये हमारा कालिया ड्राइवर है और इधर विकास ड्राइवर, आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। देख सकते हैं आप रंपत भाई,